भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल असम का भूपेन हजारिका सेतु है। इस पुल को ढोला सदिया सेतु के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किलोमीटर से अधिक लंबा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इससे भी बड़ा पुल बिहार में लगभग बनकर तैयार है? जी हाँ, यह भारत का सबसे बड़ा पुल होगा जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से भी अधिक होगी। आइए लेटेस्ट तस्वीरों के साथ इस पुल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 984 करोड़ की लागत राशि अब लगभग 1200 करोड़ तक पहुंच गई है। 10.2 किलोमीटर लंबे महासेतु का निर्माण कार्य की गति तेज कर दी गई है। इस पुल के निर्माण के बाद सुपौल से मधुबनी की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिलहाल लोगों को मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो घटकर 70 किलोमीटर हो जाएगी। कोसी नदी पर मधुबनी के भेजा और सुपौल के बकौर के बीच बन रहा यह पुल असम के भूपेन हजारिका पुल से भी करीब 1 किलोमीटर अधिक लंबा है। इसका उद्घाटन वर्ष 2023 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण विलंब हुआ और अब मार्च 2024 में संभावित है, लेकिन इसमें कुछ और विलंब हो सकता है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी अपनी धारा हमेशा बदलती रहती है। इसका पार्ट यानी दोनों धाराओं के बीच की दूरी बहुत अधिक रहती है। खास तौर पर बाढ़ के समय इसकी पाट और चौड़ी हो जाती है। बता दें कि इसमें 3.1 किलोमीटर अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जाना है, जिनमें बकौर की ओर से 2.1 किलोमीटर और भेजा की तरफ से करीब 1 किलोमीटर अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। कोसी पर सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे इस महासेतु के सिरे के दोनों तरफ बने तटबंध से सीधे जोड़ा जा रहा है। इस कारण से यह महासेतु देश में सबसे लंबा हो जाएगा। बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 5 के तहत निर्माण किए जा रहे इस पुल का 54% कार्य पूरा हो चुका है और इस वर्ष इसके पूर्ण होने की संभावना है। इस पुल में कुल 171 पिलर बन रहे हैं। इसमें 166 पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है। बकौर की ओर से 36 पिलर और भेजा की ओर से 87 पिलर होंगे। इसमें बकौर की ओर से 2.1 किलोमीटर और भेजा की तरफ से 1 किलोमीटर अप्रोच पथ का निर्माण किया जाना है। अप्रोच रोड मिलाकर पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी के उमगांव से महिषी तारापीठ के बीच बन रहे 4-लेन सड़क के अलाइनमेंट में यह पुल बन रहा है। यह निर्माण कार्य दो एजेंसी मिलकर कर रही है। इसमें गैमन इंडिया और ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इस पुल का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट 5 पैकेजों में बन रहा है। इन्हीं में से एक पैकेज में इस पुल का निर्माण हो रहा है। यह पुल सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ेगा। इसके निर्माण से बागडोगरा एयरपोर्ट पर भी आने जाने में काफी आसानी होगी। कोविड-19 के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई थी, लेकिन दिसंबर 2023 तक पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना थी, पर अब यह विलंब होगा और इस साल बन जाने की संभावना है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार में 4 एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं। इन एक्सप्रेसवे के बन जाने से बिहार के किसी भी हिस्से से कोलकाता और दिल्ली की दूरी काफी घट जाएगी। इसके साथ ही अंतर राज्य आवागमन बेहद आसान हो जाएगा।